इससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन लूट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं काफी ज्यादा अमेजिंग डील्स जो कि दोस्तों यहाँ पर ऑफर्स में रहती है, और ऐसी ऐसी डील्स लेकर के आते हैं जो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन में ऐसी बहुत सारी डील्स होती है जो हिडन डील्स होती है गाइज, जो आपको शायद इतने कम बजट में यहाँ पर ना मिल पाए। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है जाकर ज्वाइन कर सकते हो। हम यहाँ पर सभी तरह के जो ऑफर्स हैं उनको शेयर करते रहते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं आज के। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। फाइनली एक और बहुत ज्यादा कमाल गाड़ी अपने मी 11 लाइट एनए के लिए आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं। और दोस्तों आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एरो ओएस के एक अनऑफिशियल बिल्ड के बारे में। मेरे हिसाब से यार काफ़ी सही बिल्ड है, यहाँ पर एंड्रॉयड 12 के ऊपर है, 13 अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आई विल टेल यू। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आएगा इसके ऊपर कोई बिल्ड मैं फर्स्ट आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। आज हम लोग यहाँ पर फिर से एरो ओएस के ऊपर बात करने वाले हैं। 12.1 इसका जो है अनऑफिशियल वर्जन है, जी एप्स के साथ में आता है। सिक्योरिटी पैचेस आपको जुलाई के देखने को मिल जाते हैं, और जल्दी आपको शायद नए पैचेस भी देखने को मिलेंगे नए बिल्ड के साथ में, तो ये एक चीज़ हो जाती है। फिलहाल मैं जो इसको डार्क मोड से शिफ्ट करता हूँ इसको लाइट मोड पर, ताकि आपको जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर बेहतर देखने को मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो मुझे इसके ऊपर देखने में मिली, यार रूम बहुत ज़्यादा स्मूथ है, डेफिनेटली आपको इसको ट्राई करना चाहिए, यही मैं कहूँगा। KWGT का मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, आप लोग को भी यूज़ करना है तो यार कमेंट करिए, मैं फिर बनाता हूँ वीडियो, आप लोग देख सकते हो एक लॉक मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इसका। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसके ऊपर MIUI का कैमरा भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और डेफिनेटली यार सारे फंक्शन यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं चेकआउट कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं इसको करीबन यहाँ पर 15 से 20 दिन होगा इसको इस्तेमाल करते हुए, जब से ये रिलीज़ किया गया है बिल्ड तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और यार मेरे को थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियोज़ नहीं बना पाता। रिस्पॉन्स अच्छा दो, मुझे रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं मिल रहा है MI 11 Lite NE के ऊपर। अगर आप लोग 1000-2000 व्यूज़ आने लगे तो यार थोड़ा सा मेरे को भी लगे कि यार मैं आपको समय देता हूँ और आप भी थोड़ा सा प्यार दिखाओ, ठीक है, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो कि भैया थोड़ा व्यूज़ वगैरह आ जाए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वरना यार YouTube करने का तो अब दिल सा भी नहीं कर रहा है, 1900-950 वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो अभी यार मेरी चैनल की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, हैं 2-3% लोग सब्सक्राइब करते हैं सिर्फ, यार प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। अभी चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। यहाँ पर आपको गूगल का सपोर्ट बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, ये सारे ऐप्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओपन कैमरा अलग से डाला, यहाँ पर फोन पे आप कह सकते हो अलग से डाला, पेमेंट वगैरह करनी होती है तो डेफिनेटली चाहिए होता है कभी कभी। इसके अलावा दोस्तों यार YouTube वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत इसके ऊपर मुझे देखने को नहीं मिली है गाइस फिलहाल। इसके ऊपर यहाँ पर इंटरनेट ऑन करूँगा तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं ना टेलीग्राम वगैरह से, तो इसीलिए मैंने बंद कर रखा है अभी इंटरनेट को, ठीक है। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर नई चीज़ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं करूँगा, परफॉर्मेंस इसकी ठीक है दोस्तों। गेमिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते नहीं, अगर फिर भी चाहते हो कि परफॉर्मेंस वगैरह बताऊँ तो यार मुझे कमेंट करके बताना। और इस रोम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाओ, ठीक है, वो टेलीग्राम का लिंक है, उसके ऊपर जाओ, मेरे चैनल को ज्वाइन करो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जो है रोम। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ, काफ़ी मिनिस्टिक है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से है ना चीज़ें। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ की बात कर देते हैं, यहाँ पर आपको ये सारी कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन नहीं है जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे मे बी, क्योंकि यहाँ पर आप एक मिनिमलिस्टिक एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग देख सकते हो बहुत ही जैसे एक परसेंटेज वाला ऑप्शन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो परसेंटेज भी आप ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। और बैटरी मैनेजर हो गया, यहाँ पर चार्जिंग लाइट हो गई है, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को यहाँ पर मिलेगी। इसी के अलावा दोस्तों स्टोरेज के ऊपर चलते हैं, तो स्टोरेज के ऊपर आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हो। इसी के अलावा दोस्तों नेक्स्ट चीज़ के ऊपर डिस्प्ले के ऊपर चलते हैं, डिस्प्ले के ऊपर आपको डार्क मोड वगैरह देखने को मिलेगा, नाइट लाइट हो गया यहाँ पर, रिफ्रेश रेट, जी हाँ दोस्तों रिफ्रेश रेट यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो उसकी भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो, बैटरी परसेंटेज ऑलवेज शो करके आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर टाइम वगैरह भी थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन है मतलब, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ऊपर टाइमिंग वगैरह को, ठीक, शो डिफॉल्ट, तो ये छोटी मोटी कस्टमाइजेशन आपको मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलेगा आपको। बाकी अगर आप अपना डेली जो इंटरनेट यूज़ होता है उसको देखना चाहेंगे तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि इतना यूज़ कर लिया मैंने आज, ठीक है, तो ये एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी सही लगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इवन तो आप लोग देख सकते हो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ग्रेड का, यहाँ पर सिस्टम आइकन चेंज करने का, और थोड़े बहुत फॉन्ट्स भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो एरो ओएस यहाँ पर भाई बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस देता है आपको कस्टमाइज करने के, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा से ही एरो ओएस का अच्छा रहता है। कॉलिंग में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक,
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और वोल्टी वगैरह हो गए या फिर हॉटस्पॉट यूज़ करना होगा, कंटिन्यूसली मैं इसका हॉटस्पॉट यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ रहती है कि ये भी आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा कर जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्विच एक्सेस वगैरह हो गया, ये छोटे मोटे फीचर, एक्स्ट्रा रिम हो गया, ये सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। थर्मल प्रोफाइल्स भी हो गया भैया, थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग करनी है आपको तो डेफिनेटली इसको भी आप यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी गेमिंग ऐप अगर मान लो पबजी वगैरह खेलते हो तो उसको आप जो थर्मल प्रोफाइल्स को यहाँ पर ये करके यहाँ पर गेमिंग पे सेट कर सकते हो, तो इस तरीके से आपका थोड़ा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस दोस्तों अच्छी है, मैंने पहले भी बहुत बार ही अपने वीडियोस में इसका जिक्र किया हुआ है, और इससे पहले शायद मैंने इसका वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था इस बारे में कि इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। तो एक ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर, तो ये सॉरी ये तो यार उसका ही है, ठीक है, ये WGT का ये ऑप्शन जो मैंने यहाँ पर अलग से डाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, बाकी स्पीड वगैरह भी मेरे को सही लगी है, मैंने स्पीड वगैरह भी चेक करी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। स्टॉक रूम में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वाईफाई को लेकर के कि उनका स्पीड कम आता है, जितना रहता है उतना नहीं आता है, तो वो एक चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी यार 778G जो परफॉर्मेंस देता है उसको यहाँ पर ये जो है रेक्टिफाई करता है काफ़ी अच्छे से, यहाँ पर प्रॉमिस करता है और मुझे काफ़ी सही लगी इसकी परफॉर्मेंस, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं दूसरी रूम में शिफ्ट भी नहीं हो रहा हूँ, मेरा खुद का मन नहीं करता है, मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। तो इस वजह से ही अभी मैंने वीडियो बना लिया, तो आज या कल में फिर मैं दूसरी रूम डाल दूँगा, फिर उसको टेस्ट करूँगा, फिर उसको अब तक लेकर के आऊँगा। तो मेरा ओवरऑल दोस्तों इसको लेकर के रिव्यू यही है कि रोम काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि यार गलत चीज़ भाई ने बता दी है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो मुझे डेफिनेटली बताओ क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी इस रोम में, क्या चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, क्या चाहते हो कि आप इस तरीके के रोम चाहिए आपको। तो गेमिंग वगैरह मैं पहले बता दूँ, रोम यहाँ पर फ़ोन यहाँ पर और रोम यहाँ पर दोनों ही गेमिंग के लिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है। और अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो पोको X4 जैसे फ़ोन हो गए या पोको X3 प्रो, इसके ऊपर भी X4 प्रो का के आया ना यार X4 आया है, पता नहीं ऐसे कुछ आया है फ़ोन अभी पोको का ही, ठीक है, वो ले सकते हो इसको लेने के बजाय अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है। तो ये मेरा यहाँ पर एक सीधा सा सजेशन रहेगा अगर आप लेने के बारे में सोच भी रहो, और आपको सिर्फ मैं आपको बोलूँगा कि कस्टम रोम का सपोर्ट इसके ऊपर कम है, लेकिन जितना है उतना अच्छा है दोस्तों, आपको स्टेबल परफॉर्मेंस दे देता है, और क्या चाहिए। अगर हम यहाँ पर गैलरी की बात करें तो आपको एक गैलरी वाला ये ऐप देखने को मिलता है इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे सही लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम्प्लीटली हो जाती है। बाकी अगर कैमरा वैमरे की बात करो तो आप लोग देख सकते हो परफॉर्मेंस मुझे सही लगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और शटर स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, ये खैर MIUI का ही है तो उसके ऊपर तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कंपनी तक अपनी पहुँच नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, और इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी है दोस्तों। यहाँ पर आपको सिंपली इसको ऑरेंज बॉक्स रिकवरी में लेके जाना है और फ्लैश कर लेना है, या एक दूसरा प्रोसेस है उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा, उस प्रोसेस के थ्रू जो है आप इसको फ्लैश कर सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल मुझे लगता है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। ऑरेंज फॉक्स मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मैं सच बताता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक भी बग्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर फिक्स नहीं किए जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू ही उस लिंक को फॉलो करते हुए ही अपना ये वाला रोम फ्लैश करो, तो आपका रोम जो आसानी से जो फ्लैश हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हुआ, पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को अभी जरूर से लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।